सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 17 पढ़ेंगे। अत्याचारी से बचाने के लिए प्रार्थना। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती हैं कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा किरोरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहें, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझ से प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आँखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा कराता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे, अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी, यदि कोई आप पर अत्याचार कर रहा है, आपको कोई सता रहा है, या आप किसी से परेशान हैं, आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, तब आप इन वचनों के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयस से आशीष दे। आमीन।